हाय हेलो, कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग ब्रेन का पढ़ा था, जो आपका इंक्वायरी था उसका मैंने जवाब उस वीडियो में दिया था। और उसी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इसके नेक्स्ट पार्ट, जो अनदर पार्ट्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल आज करते हैं। आज फिर से हम आप लोगों को वही फ्लो चार्ट बना के कोशिश करता हूं कि आपके पास अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज हम लोग पार्ट टू में आते हैं, ब्रेन पार्ट टू। हम लोग आज बात करेंगे, उस दिन तो मैंने आपको बताया भी था कि हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS, उसके दो पार्ट्स, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन को तो डिटेल हमने किया, आज हम लोग बात करते हैं CNS का दूसरा पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। एक्चुअली ये स्पाइनल कॉर्ड है क्या? स्पाइनल कॉर्ड आप कह सकते हैं कि दिस इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर है, साथ में ये नर्व इंपल्स को भी कंडक्शन करने में कामयाबी करता है, कंडक्ट करता है। तो लिख सकते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस एंड कंडक्शन ऑफ किसका कंडक्टिंग करेगा? नर्व्स का। नर्व में जो इंपल्सेज होता है, जो भी हम लोग कुछ महसूस करते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज है। तो नर्व इंपल्सेज को ये शो करेगा। ये काम है स्पाइनल कॉर्ड का। इसमें दो, स्पाइनल कॉर्ड को हम दो भागों में, दो टाइप के नर्व्स इसमें कंटेन करता। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इसका जो मेन काम हुआ, ये काम एक तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ये दोनों। सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन द क्विक रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस। हमारी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, स्टिमुलस क्या, तो हमारे चारों ओर जो परिवर्तन होता है, चेंजेस अराउंड आवर सराउंडिंग, दैट इज द स्टिमुलस। और स्टिमुलस के अगेंस्ट में जो हम जल्दी से एकदम फटाफट क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, वो कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपको गर्म चीज हाथ में टच हुआ, हाथ एकदम से खींचा, रिफ्लेक्स एक्शन है। ब्रेन का काम नहीं है वहां, वो स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड विच इज सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड ऑफ आवर बैकबोन, अटैच्ड विद मेडुला, ये हमारा काम करता है रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं द पाथ इन बाय विच कंप्लीट रिफ्लेक्स एक्शन इज परफॉर्म्ड। वो पूरा का पूरा पाथ रिसेप्टर ने रिसीव किया, स्पाइनल कॉर्ड मोटर नर्व को यूज करके इफेक्टर को मैसेज दिया, इफेक्टर में एक्शन हुआ, ये कंप्लीट जो हमारा पाथ हुए बना, वो कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। अब देखिए, उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था PNSS, पैराफेरिक नर्वस सिस्टम, ये भी दो टाइप का है,
चलो इसको थोड़ा साइड करते हैं। पीएनएस और एएनएस रह गया था हमारा। पीएनएस दो पार्ट, एक स्पाइनल नर्व और एक कैर्नियल नर्व। स्पाइनल नर्व 31 पेयर हमने बताया था, स्पाइनल नर्व 31 पेयर और सेकेंड, अच्छा स्पाइनल नर्व है जो इंपल्सेज कलेक्ट करके स्पाइनल कोड को बताता है। स्पाइनल नर्व वो नर्व है, दोज नर्व विच कलेक्ट इंफॉर्मेशन और कैरी फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन टू स्पाइनल कॉर्ड। हिंदी वाले स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु को जो नसें, जो नर्व तंत्र, तंत्रिका तंत्र में कहलाता है ये, तो जो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज करे वो हमारा पेयर कहलाता है, वो जो हमारा जो नर्व्स हैं वो कहलाता है क्या, स्पाइनल नर्व। और दूसरा होता है क्रैनियल। ये 12 पेयर है, ये डायरेक्ट हमारे ब्रेन को मैसेज करता। आप जो आंख से देखते हो, स्वाद आपका है, कान से सुनते हो, ये सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाता, वो सीधा ब्रेन को मैसेज कॉन्वे करता है। तो ये हमारा 12 पेयर ऐसे नर्व्स हैं जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता ब्रेन से, इसको किसी वाया की जरूरत नहीं होती है, किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं होती है। अब एएनएस भी हमारे दो पार्ट्स। एएनएस में सबसे पहला सिंपैथेटिक, दो होता है, एक सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिंपैथेटिक। देखिए सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिंपैथेटिक नर्व, ये रिस्पॉन्ड करता है, ये रिस्पॉन्ड करता है कब, जब आप कोई डेंजर में आते हो या स्ट्रेसनेस आता है, तनाव महसूस करते हो, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता, या आप घर से बाहर निकले, बहुत ज्यादा धूप है तो पुपिल को बढ़ा देगा, एकदम से डेंजर कुछ आ गया, हार्ट बीट को तेज कर देगा ताकि बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा मिलता चलना मिलना शुरू कर दे। मतलब ये कहलाता है, इसको आप लिख सकते हो, इट इज परफॉर्म रिस्पॉन्ड्स टू डेंजरस सिचुएशन। डेंजरस यानी कि जब हमें बहुत ज्यादा, आप एकदम से जा रहे हो और कोई सांप खड़ा दिख गया, आपकी धड़कने तेज हो जाती है ना, ये इसी का काम है। और स्ट्रेस सिचुएशन, ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हुआ तो उस केस में डेंजरस हो या स्ट्रेसनेस आ जाए, बहुत अधिक तनाव, फॉर एग्जाम्पल आप पेपर के लिए बोर्ड में जा रहे हो, क्वेश्चन पेपर से पहले बहुत ज्यादा तनाव रहता है कि कैसा आएगा, पता नहीं, जवाब दूंगा नहीं दूंगा, कैसा होगा क्या होगा। इस कंडीशन में हार्ट बीट हमारा तेज चलने लगता है क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट हमारे सेल को होने लगती है और वो सप्लाई पूरा चाहिए इसके लिए ये। या कभी आप किसी को जॉब का इंटरव्यू देने जाता है,
रिटेन कंप्लीट किया, वाइवा के लिए पहुंचा। जब वाइवा होना शुरू होता, वो चार पांच जने बैठे रहते कुर्सी लगा के, आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका दिल आगे पीछे शुरू हो जाता, क्योंकि ब्रेन हमारा स्ट्रेस पोजीशन में होता, तो पंपिंग शुरू हो जाता जल्दी की जल्दी जल्दी जा। ये सब जो काम है, लंग्स अपने आप सांस तेज चलने लगता है, ये सब काम सिंपैथेटिक नर्व का है, ऑटोमेटिकली वो अपना काम करता। और पैरासिंपैथेटिक जस्ट इसके बाद, यानी कि इसके अगेंस्ट काम करता है। जैसे ये क्या करेगा, ये हमें रिलैक्स मूड देगा, बॉडी को रिलैक्स, आवर बॉडी आफ्टर डेंजर और स्ट्रेस सिचुएशन। जब इस सिचुएशन से स्ट्रेसनेस की या डेंजरस से हम बाहर आते हैं, तो धीरे धीरे हमारा बॉडी नॉर्मल होने लगता है। डेंजर से बाहर जोन से निकल गए, आप हवाई जहाज में बैठे हो और पायलट घोषणा कर दे कि वेदर खराब हो गया, आपका प्लेन हिलना शुरू कर दिया, जमीन से कितने ऊपर हो आप, यूं लगता है कि दिल आ गया मुंह में, हार्ट बीट तेज। उस सिचुएशन से जब बाहर निकले, पायलट आपसे घोषणा कर देता है कि आप अपना सीट बेल्ट खोल सकते हैं, हम लोग डेंजर जोन से बाहर निकल गए, रिलैक्स मोड में आते हैं, रिलैक्स। ये कारण है पैरासिंपैथेटिक का। दोनों का अपना अलग अलग फंक्शन है। अब देखिए, जितना भी ये ब्रेन है या नर्व्स है, वो सारे के सारे नर्व्स या पूरा सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमारा एक्चुअली यूनिट क्या है उसका, न्यूरॉन। ऑलरेडी आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ के आए होंगे कि नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरॉन जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है पूरे सिस्टम का। अब ये न्यूरॉन जो है, नर्व्स, जिसको हम न्यूरॉन नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन, हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं, और मेन काम इसका कैरी फॉरवर्ड करना है मैसेजेस का। ये जो न्यूरॉन है उसको तीन भागों में बांटा जाता है, न्यूरॉन के तीन पार्ट्स हैं। हम सब कुछ तो समझ लिए, और उसके यूनिट की बात ना कर बात करें, घर तो बना दिया, ईंट क्या है वो नहीं मालूम, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए नर्वस सिस्टम अगर बिल्डिंग है तो उसका ईंट है हमारा न्यूरॉन। इसके तीन पार्ट्स, सबसे पहला पार्ट जिसको हम लोग सेल बॉडी के नाम से जानते हैं, वैसे इसका नाम साइटोन। दूसरा डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स आपने देखा होगा न्यूरॉन के फोटो, तो बहुत सारे आपको एंटीना लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारा होता है बूढ़े उसमें, सेल बॉडी साइटोन में के ऊपर से वो डेंड्राइट यू एंटीना लाइक स्ट्रक्चर होता है। और लास्ट जिसको एंड ऑफ हम नर्व न्यूरॉन कहते हैं, उसका नाम सॉरी पूरे बॉडी में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, वो एक्सोन। तीनों का अपना अपना काम बटा हुआ है। ये जो आपका साइटोन है सेल बॉडी, मेन इसका काम है कि ये आप कह सकते हैं दिस इज द फैक्ट्री ऑफ नर्व, दिस इज द
फैक्ट्री ऑफ, ये हमारे नर्व का फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में क्या बनता है? ऑल प्रोटीन, ये फैक्ट्री प्रोड्यूस करता है सारे प्रोटीन्स को। लिख दीजिए, प्रोड्यूस ऑल, ये प्रोटीन तो आप जानते होंगे जिसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं, ये प्रोड्यूस करने वाला हमारा यही फैक्ट्री है प्रोटीन। जितना भी हमारे बॉडी में प्रोटीन बनेगा जिसके थ्रू मैसेजेस कॉन्वे होता, वो सारा का सारा साइटोन का देन है, इसलिए इसको सेल बॉडी के नाम से जानते। डेंड्राइट्स जो है ना, वो रिसीव करता है कम्युनिकेशन के लिए, रिसीव्ड कम्युनिकेशन जो भी मैसेजेस है, कम्युनिकेट हमारा बॉडी करता है किसी से, बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से जो कम्युनिकेट कर रहा है हमारे सारे ऑर्गन्स, दूसरे सेल से इंफॉर्मेशन लिया और एक दूसरे को दिया, ये काम डेंड्राइट्स का है। हम लिख सकते हैं रिसीव्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम अदर सेल्स, दूसरे सेल से जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज हमारे पास आएगा उसको रिसीव यही करेगा, एंड के साथ रिलीज भी यही करेगा। बीच में ये होता है एक्सोन, जो एक लंबा केबल जैसा स्ट्रक्चर होता, केबल है, ये केबल लाइक स्ट्रक्चर है इन विच, जिसमें से क्या होता, जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज है वो पास आउट होता, इन विच इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज पास्ड और ट्रेवल, ये हमारा इंपल्सेज, वो फाइबर यू समझिए ना, कम्युनिकेशन हेलो करेंगे और तार जुड़ा रहता है आपके घर में नेटवर्क आने के लिए, या केबल का वो वायर जुड़ा रहता है ना, ये वायर वाला काम यही करता, जहां से कम्युनिकेट होगा, जहां से वो पास आउट होगा, जहां तक वहां पहुंचेंगे, ये काम हमारे एक्सोन का है। यानी यही नेटवर्क है, यही न्यूरॉन है जिसके कारण हम लोगों का ये ब्रेन अपना पूरा कंप्लीट है। आप ब्रेन को कह सकते हो दिस इज द बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, ब्रेन इज द बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, ट्रिलियन, इट इज अनकाउंटेड, ना काउंट करना संभव नहीं है, इतने सारे न्यूरॉन आपस में जुड़कर तब हमारा ब्रेन बना है, तब हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। एक भी हमारे बॉडी का ऐसा सेल नहीं है जहां पर ये न्यूरॉन नहीं है। जहां न्यूरॉन नहीं है वहां आपको समझ में नहीं आएगा, वहां का फीलिंग आपको नहीं महसूस होगा, वहां से मैसेज आपके बॉडी तक कॉन्वे नहीं होगा। ये मैसेजेस महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, गुदगुदी महसूस होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में उसी पार्ट में भी न्यूरॉन है जो गैदर्ड किया, कब रिसीव किया और फिर कॉन्वे किया, कम्युनिकेट किया एक दूसरे को। ब्रेन क्लियर। अब इसका पार्ट थर्ड हम यूज शुरू करेंगे और उसमें बात करेंगे प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन। अभी तक हमने नर्वस सिस्टम से कम्युनिकेशन समझा, कम्युनिकेशन दूसरा भी है, केमिकल सिस्टम से, हार्मोनल सिस्टम से कैसे कम्युनिकेट होता, उसका क्या फंक्शन है, तो उसको हम अगले में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आपको, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी मैं देता रहूंगा।
नोटिफिकेशन ऑन रखिए और खुद पढ़िए, कर भला तो हो भला, दूसरों को भी भलाई के बारे में सोचिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, उसको भी सब्सक्राइब करवाइए, उसे भी समझाइए। मिलते हैं थर्ड पार्ट में।